भोपाल में आरोग्य भारती के द्वारा स्वास्थ्य प्रबोधन कार्यक्रम में हैप्पीनेस इंडेक्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिजियाना मीडिया ग्रुप के ग्रुप चैनल हेड और डायरेक्टर नवीन पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा मुख्य वक्ता के रूप में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को डिजियाना मीडिया ग्रुप के ग्रुप चैनल हेड और डायरेक्टर नवीन पुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए बेहतर काम कर रही है। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया। हमारा आयुर्वेद सर्वव्यापी है, विदेश तक में इसे मान्यता मिली है, जिसे आगे बढ़ाने का काम आरोग्य भारती कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैल्यू और संस्कार ही आदमी को एक इंसान बनाती है। से आपने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी किया, एक बार वैज्ञानिक हैं। दुख का मकान है यह, आंसू निवास करते रहता है, सुख कहां पर ये आसपास पूछो। पहले नहीं हो तुम ही आने को और आए, जो खोजने को निकले अब तक ना लौट पाए। कुछ कह कहूं की खातिर वो खुद को खो चुके हैं, वो कह कहूं की खातिर खूब रो चुके हैं। हंसकर कहूंगा तुमको छोटा रहस्य, ये तो हंसकर नहीं मिलेगा। होकर उदास पूछो और रहता है सुख कहां पर ये आसपास पूछो। पीड़ा का जो है आंगन मुस्कान की सहन है, पीड़ा हंसी खुशी की आखिर बड़ी बहन है। कस्तूरी मृग तुम्ही हो, सुख दुख तुम्हारे भीतर, अपना पता स्वयं तुम खुद से ही काश पूछो। यही वो लोग हैं जो दूसरों के गम में, दूसरों की तकलीफों में, दूसरों की बीमारियों में, दूसरों की समस्याओं में जब हम अपनी समस्याएं देखने लगते हैं, दूसरों की खुशियों में जब हम अपनी खुशियां देखने लगते हैं, तब सच मायनों में आपको जिंदगी की जो असली खुशी है वो वहां महसूस होती है। वो तब आपको एक संतुष्टि देती है, तब वो खुशी से आनंद की तरफ परिलक्षित हो जाती है। खुशी से आनंद की तरफ जाना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आनंदित व्यक्ति ना उसको डिप्रेशन, ना उसको अकेलापन, वो एकांत का अनुभव करता। और यही तो बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दिए खुद ही बनो और ऐसा प्रकाशित करो कि दिया तले अंधेरा भी ना रहे। लेकिन बुद्ध की बातों को लोग समझ नहीं पाए, बुद्ध के बुद्धत्व को लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप स्वयं में बुद्ध बनो, लोग बुद्ध के पीछे खड़े हो गए। उस जागरण को उन्होंने जो लोगों में भरने का काम किया था, खुशी तभी आएगी, गम मिलेंगे जितने खुशी का नाम दो, दर्द को ही जिंदगी का नाम दो और रो पड़े औरों के गम में जिसकी आंख, बस उसे ही आदमी का नाम दो। तो आदमी तो वही है जो दूसरों की तकलीफों को जीता है। एक इतना बड़ा संस्थान समाज को स्वस्थ और सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है, यही तो इंसानियत है। इंद्रियों संतुलित हो जाए और तो व्यक्ति खुश रह सकता है। पंच यो वो विषय तो ठीक है, लेकिन पंचकोश में जो पांचों कोश हैं अलग अलग, ये किसी भी व्यक्ति को सुविधा से समझ में आने वाले और संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक हैं। तो इंद्रियें तो रहनी ही चाहिए संयम के अंतर्गत। हर व्यक्ति को अभ्यास से ये चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इन ऐसे सब चीज़ों के बारे में समय समय पर कुछ कुछ अभ्यास करने से व्यक्ति संयम के साथ साथ स्वयं को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। जिन किन्हीं को भी हम मानते हैं, थोड़ा बहुत समय भले ही हम आधा ही मिनट निकालें, एक ही मिनट निकालें, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ करना। मन स्थिर रहेगा तो ऐसे सब कामों से मन को स्थिर रखने में सुविधा रहती है। मन स्थिर है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रसन्नता का जो सूचक होता है, इंडेक्स होता है, उसके प्रति समाज में कैसे अवेयरनेस आ सकती है, लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। जो खुशी का विषय है, जो आनंद का विषय है, कुछ सुख जो होते हैं वो जो भौतिक स्तर पर होते हैं और कुछ मन के स्तर पर होते हैं। तो आरोग्य भारती का यही मानना है कि जो समाज के हित में, समाज के लिए जो कार्य करने में जो सुख प्राप्त होता है, जो दूसरों की मदद करने में प्राप्त होता है, उस वास्तविक सुख का सब लोग उसके बारे में जानें और उसको अपने व्यवहार में लाएं। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है,
और जो भारतीयों की खुशियों जो तय करती है पैरामीटर्स, उसमें सबसे ऊपर आता है रहन सहन, रहने की स्थिति, रोटी कपड़ा और मकान, और दूसरे नंबर पे है सेहत। सेहत अच्छी होगी तो हम खुशहाल रहेंगे। तो आरोग्य भारती पूरे देश में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, मतलब रोग का रोकथाम कैसे कर सकते हैं ताकि बीमार न पड़े, और अगर क्योंकि बीमार पड़ने पे पैसे खर्च होते हैं और गरीबी ज़्यादा बढ़ती है, तो हमने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है ताकि लोगों की सेहत अच्छी रहे और खुशहाल रहे, ताकि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ऊपर आ जाए।